हेलो नमस्कार, मैं सुधीर। मेरे साथ है नवल। वेलकम टू प्लेइंग 11 फुटबॉल। हे नवल, कैसे हो? ऑलराइट, हे सुधीर, बढ़िया। एक और बढ़िया गेम, हैदराबाद वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। तो यस, क्या सो सबको बढ़िया ही एक्साइटेड फॉर बोलते इट? रहे अपन। यस यस, सो सब सब मैचेस को मोस्टली अपन बढ़िया ही बोलते रहे, बट ये थोड़ा ज्यादा एक्साइटिंग रहेगा। नॉर्थ बिल्कुल ईस्ट इज बिल्कुल। इन रेड हॉट फॉर्म। दे टू के डबल ओवर मुंबई सिटी आल्सो। बिल्कुल या तो एंड हैदराबाद इज आल्सो इन गुड फॉर्म। दे हैड ए लॉसलेस जनवरी, तो बोथ बिल्कुल। ऑफ देम विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू क्लिंच दैट थर्ड और फोर्थ पोजीशन। थोड़ा रीसेंट फॉर्म देखने से पहले लेट्स टेक अ लुक एट हेड टू हेड। आई थिंक दिस इज वन टीम। हैदराबाद हैज ऑब्वियसली लाइक 3 गेम खेला एंड लास्ट 2 सीजन्स, एंड हैदराबाद 2-1 रिकॉर्ड अगेंस्ट देम। ऑब्वियसली सब जानते हैं कि लाइक यू नो दिस कोलासो का ये फेवरेट टीम है, तो ही हैज डन प्रीटी गुड अगेंस्ट देम ऑलवेज। बट मेन थिंग इज, अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि यू नो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग गेम, एंड रीजन इज क्योंकि लाइक दिस इज गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग टाइम फॉर हैदराबाद, क्योंकि वन ऑफ द थिंग इज ऑब्वियसली हैदराबाद इज कम्पीटिंग फॉर प्ले ऑफ पोजिशन। बट अगर आप देखोगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ, लाइक तीन तीन टीम है, दे टाइड अप विद द पॉइंट्स सेम वे, बट एफसी गोवा इज लीडिंग ऑन द गोल डिफरेंस विद 5, हैदराबाद इज 4 और नॉर्थ ईस्ट का 1 है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर ऑल थ्री, आई मीन ऑल थ्री, बट ऑब्वियसली द टू टीम्स दैट्स कम्पीटिंग, हैदराबाद एंड नॉर्थ ईस्ट टुमारो। या डेफिनेटली, तो इसमें नॉर्थ ईस्ट का भी बहुत हाथ रहा है, बिकॉज दे कंसीडर्ड 4 अगेंस्ट हैदराबाद। सो दैट वुड हैव, आई मीन नॉर्थ ईस्ट कुड हैव इजीली बीन थर्ड नाउ इफ दैट वाज नॉट द केस, बट फर्स्ट इज फर्स्ट। या बोथ द टीम्स आर प्लेइंग वेरी गुड नाउ एंड लुकिंग बिल्कुल। फॉरवर्ड टू दिस गेम। सो जैसे आप बोल रहे थे रीसेंट फॉर्म का, ऑब्वियसली हैदराबाद लाइक यू नो दे काइंड ऑफ वेंट थ्रू अ रफ पैच इन दिसंबर जनवरी में थोड़ा बहुत। जैसे आप जैसे लाइक व्हेन यू व्हेन यू टोल्ड लाइक इट्स गोना बी अ पैक स्केड्यूल, पैक गेम स्केड्यूल, लाइक 7 गेम्स दे प्लेड इन बिटवीन लाइक 16 गेम्स 16 डेज टाइम पीरियड, समथिंग लाइक दैट। सो नहीं, 7 गेम्स इन लाइक आई थिंक 4 वीक्स टाइम पीरियड, समथिंग लाइक दैट। सो इट वाज लाइक प्रीटी जैम पैक स्केड्यूल था हैदराबाद के लिए, बट आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट टाइम लाइक उनको एक हफ्ते का ब्रेक आया बिफोर दे कुड फेस नॉर्थ ईस्ट। एंड सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट दे काइंड ऑफ वेंट थ्रू सम रफ स्ट्रेच, बट ऑब्वियसली दे हैड सम बिग गेम्स अगेंस्ट लाइक रियली गुड टीम्स, मोहन बगान, मुंबई, ऑब्वियसली टफ टीम इन जमशेदपुर, एंड लास्ट रिसेंट गेम गोवा के अगेंस्ट ड्रॉ हुआ था। यस, तो नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छे से बाउंस बैक हुआ है एंड दे आर गेटिंग देयर बिल्कुल विंस। ऑन द अदर हैंड, हैदराबाद वाज फेलिंग टू गेट द विंस। दे वर प्लेइंग वेरी वेल ऑब्वियसली, बट वे आर अनेबल टू कन्वर्ट, एंड थैंकफुली थैंक्स टू द कॉम्बो ऑफ संटाना एंड संडाजा, लास्ट मैच में वी कुड सी 2 गोल्स एंड दिस 11। तो होपफुली वी आर लुकिंग बिल्कुल फॉरवर्ड टू सी परफॉर्मेंसेस इन दिस गेम फ्रॉम बोथ द टीम्स। Yeah, so last game Sandaza ने वही ओपन दी अकाउंट फॉर हैदराबाद, एंड देन केएनई भी लाइक ही केम इन एज सब्स्टिट्यूट एंड ही स्कोर्ड हिज गोल ऑब्वियसली। बट इन दैट मीन प्रोसेस स्कोरिंग में आई थिंक ही काइंड ऑफ इंजर्ड हिमसेल्फ। आपने देखा भी होगा लाइक ही काइंड ऑफ मे बी कॉट हिज ग्रॉइन और समथिंग, मे बी इट वाज ग्रॉइन इंजरी, बट अनफॉर्चुनेटली ही विल बी आउट ऑफ द गेम। ही विल बी अ बिग मिस फॉर हैदराबाद। यस डेफिनेटली, तो केएनई जी जब रहते हैं तो टीम बहुत अटैकिंग मोड में दिखता है बिकॉज ऑफ हिज मूवमेंट्स एंड ऑल। तो बिल्कुल पोजीशनिंग उनका बहुत अच्छा रहता है, मूवमेंट उनका बहुत अच्छा रहता है, एंड चैनल्स में बहुत अच्छा ऑपरेट करते हैं। सेकंड स्ट्राइकर के जैसा थोड़ा मतलब ऑन एंड ऑफ रहा था उनका इन टर्म्स ऑफ यू नो टेकिंग टू मेनी टचेस एंड ऑल, बट एज ए होल परफॉर्मेंस वो फिनिशिंग के लिए है, बट अदरवाइज टेकिंग द बॉल टिल द बॉक्स एंड यू नो ट्रबलिंग द डिफेंडर्स एंड ऑल ही डज वेरी वेल। तो वो आए तो अलग बिल्कुल ही आई थिंक डायनेमिक्स रहते हैं हैदराबाद के टीम का, बिल्कुल एंड या दे विल आई मीन डेफिनेटली मिस हिम। बिल्कुल। तो जैसे आप बोल रहे थे लाइक यू नो हिज डायनेमिज्म, मूवमेंट इज एब्सोल्युटली, एंड लाइक ही टेकिंग वन ऑफ टू टचेस इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम। बॉक्स में थोड़ा प्रॉब्लम था, बट लास्ट गेम में ही गॉट दैट वन टच एंड ही गॉट इट इनटू द गोल। सो वी वर काइंड ऑफ सीइंग व्हाट यस वी वांटेड फ्रॉम हिम, बट अनफॉर्चुनेटली ही गॉट इंजर्ड।
But the good thing is Hyderabad has some people coming back from injury. They said Nikhil Pujari is back. He's been gone for a long time. Sastre bhi hai, we line up in the squad game day squad mein. So which is some positive things for Hyderabad. And Sovik is also back. Yeah, and Sovik is also back. So yeah, even Sovik has been gone for a long time. So you know, so in that way, we have Hyderabad has everyone available other than KNEC because of that groin catch. Bilkul. All right. So dekhte hai kal ka lineup kaisa rahega, like what we can expect from Hyderabad. So one of the thing is obviously, I think apne goalkeeper at the moment, I think that it's going to be Katimani. I think last game he was pretty good. He was asked to what he was supposed to do. Like he came onto the ball quickly. When there was an opportunity, he went and grabbed the ball quickly. Didn't do too many risks. Didn't take too many risks. So good performance from him last week. Yeah, definitely. Katimani thoda better khele the. Yeah. Since last 2-3 games, he has been playing well. But last game mein thode on and off the shad. So he should be, you know, after the break, maybe mentally he got some rest and he should be performing well this game. Welcome. All right. So apna defense, obviously, I think one of the good thing about Hyderabad is like defense has been pretty stable between obviously like our two center backs, Sana Singh and Ode India. They've been pretty great combination. But also more than that, like our left back and right back combination of Akash Mishra or Ashish Rai, it's been really fabulous. And one of the great thing about ye ek hafte ka jo break mila, it's really good for them to get that rest because Akash Mishra has played every single game and every single minute so far. Yeah, so going forward, I think Hyderabad will have enough rest. So you will see same players again. January mein apan ko laga tha ki because of the packed schedule, probably they'll be substituted, but wo dekhne mein mila nahi. And I don't see them replaced by anyone else going forward also. So left back and right back, I think, will be same. Center backs be same rahenge. Yeah. And congratulations to Ode India, he was nominated as player of the month for Hyderabad FC. So well deserved. Both acha khel rahe the. And same back for next match as well. Yeah. All right. So I think the midfield mein obviously Ja Victor, and that's one of the things. Like, agar aapne pichle game dekha hoga, jo Chennai ke against Ja Victor, he got himself two assists, one for like Sandaza ke goal ke liye, aur dusra obviously KNEC ke goal ke liye. You can't just tell. I mean, you cannot like completely miss like his importance. He's just not stable in the back to helping the defense, but also like going up front. डेफिनेटली तो लास्ट टू मैचेस में अपन ने देखा कि वो ज्यादा आगे जा रहे हैं अटैक में कंट्रीब्यूट करने के लिए तो या वी विल बी लुकिंग एट द सेम परफॉर्मेंस दिस टाइम एज़ वेल बैक में तो सॉलिड है ही वो इन फ्रंट ऑफ द डिफेंस या बहुत कामली अपना काम कर लेते हैं नो फाउल्स नो हार्ड टैकल्स राइट सो वेरी सिल्की परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम इन टर्म्स ऑफ डिफेंडिंग एंड अटैकिंग में भी अभी कॉन्ट्रीब्यूट करना चालू करे है तो ही हैज दैट एबिलिटी टू यू नो रियली गिव सम गुड पासेस जैसे दो ब्यूटीफुल थ्रू पासेस दिए थे लास्ट गेम में तो या ही इज कैपेबल ऑफ दैट एंड नॉर्थ ईस्ट विल ट्राई एंड स्टॉप हिम बट आई थिंक ही कैन कम ओवर देम Yeah, and one of the reason I think it's also possible because of his partner in the midfield, in Hitesh Sharma, Kiki. He's one of the guys like who's always up and running. Not the greatest game he had against Chennai, Kiki zyada kuch karne ko nahi mila, but I expect him to be busy against Northeast. And in dono ka partnership has been really good. Obviously, like, you know, one has a pace, so one can like track the ball and all that. And in fact, dono ke beech mein, like, they're very good passers. Like, they pass pretty well. They need to do what they need to do. Very simple things. And very good they do it. Yeah, so ये दिमाग से बहुत ज़्यादा खेलता है हितेश शर्मा and one of the I would say better defending midfielders of Indian country, right? So India में शायद बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इतना intelligently खेलते हैं and Hitesh is one of them. So I really like the moves he makes and Yeah. His presence also, yeah, definitely Chennai ke saath to wo acha khel nahi paaye. But
आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ दोस गेम्स वेयर यू नो ही विल स्टैंड आउट. Yeah, I think he's it's going to be a very busy day for a busy night for him. That's what we expect from him. Yes. All right. So obviously, last time Hari ko break diya tha kyunki obviously a lot of games in Arabi khela hai. But I expect Hari to start quite a good rest. And obviously, wo left side of Jason Bolte, left side of Hyderabad is like well cared, well taken place, well handled between Akash Mishra and Hari. So it's going to be a pretty good balance. So yeah, I expect Hari to be there in the lineup again. या तो शोल्डर प्रॉब्लम भी था उनके लिए तो रेस्ट तो दिए ही थे बट सिंस वी हैड वन वीक ऑफ रेस्ट तो शायद नहीं मोस्टली स्टार्ट ही करेंगे वो एंड या एक्सपेक्टिंग सेम परफॉर्मेंस दैट ही हैज डन फॉर ऑल ऑफ द गेम्स टिल नाउ वो तो यूजफुल होते ही है वो आइदर इन द अटैक और डिफेंस और बोथ तो ही इज वेरी यूजफुल फॉर हैदराबाद टीम एंड ही कॉन्ट्रीब्यूट वेरी मच तो वर्क रेट बहुत अच्छा है उनका एंड या All right. So obviously, right? May we expect Yasir to be there? I mean, we know like listen, Kolasinac ka your favorite team. He has always scored goals against him the two times he has played. But I think one of the thing is like Ashish Rai is going to be pretty busy because Galago and Machado, dono us tarah se Hyderabad ke right se zyada attack aayega. So yes. I believe like for about defensive stability ke liye, I expect Yasir to be there. Maybe like if Hyderabad is doing really well winning, then I think Nikhil Pujari may slot in later in the second half or something like that, or with like 15 minutes in the game to prove that, to give that defensive stability. But for now, I expect Yasi to be there so that he can just help Ashish Rai out. And obviously, like passing may also sort of like better crispy pass. राइट तो अगर पुजारी एक दो मैच पहले ही ज्वाइन कर लेता हैदराबाद की टीम तो ब्लाइंडली वी वुड हैव प्लेस निखिल पुजारी देयर बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन दैट ही डज टू द डिफेंस डिफेंसिव एफर्ट्स तो बट कोलासो का ऑब्वियसली फेवरेट गेम है एंड 95% को स्टार्ट करेंगे बट डिफेंसिवली फिर वो ट्रबल करेंगे गलागो एंड मचेडो तो कंसिडरिंग हाउ मनोलो ट्रीट्स हिज टीम Right? Yeah. I think Kolasinac will start, but because Hyderabad will need that extra defensive efforts. So Yasir Shayad start kar sakta hai and Kolasinac could feature in the second half. That is what I think. Yeah, I mean, just as I said, 95% of bol rahe ki Kolasinac start karenge, lekin I'll go other way around. I don't think Kolasinac is going to start tomorrow. At this point, he has become a liability for Hyderabad. Straight up, I can say that like anytime he comes started, he hasn't done much. I think he's pretty good as a super sub or a substitute, jaise bhi aap bolna chahenge. And agar if Hyderabad really wants to win tomorrow, I expect Liston to be on the bench and maybe he'll come like 15-20 minutes into the game. Hopefully, he can cause that difference against what he has done. But Liston is not ready to play 90 minutes of the game. Not even first. He's not even ready to start at the moment. At the moment, yes, but because it is Northeast United, we are talking like this. And yes, yeah, even I mean, prefer but you have to remember that. Yes. Bilkul, you have to remember that. Like even against the Northeast United, the pehla game tha ye season ka, he came in as a substitute and he scored goals in say two goals in the second half. So if you really want to see the impact of Liston, he has to come in as a substitute. He cannot be a starter. आप स्टार्टर की तरह लेके आएंगे, it's not going to do much for Hyderabad, not going to do for anything for him either. At this point, he's like a one-trick pony. So, yeah. So I don't expect Liston to. So वही बोल रहा हूँ. हाँ वही बोल रहा हूँ. Exactly same बोल रहा हूँ. Maybe I prefer Yasir to start. But no. You prefer Yasir to start, but you. No, but you're expecting Liston to be there 95% in the lineup. But I'm saying Liston is not going to be starting in the lineup tomorrow. Like I can go with 95% with that he's not going to start tomorrow. Agreed. So both ways, it is good. But yeah, Yasir definitely gives more defensive stability than Kolasinac. Yeah. So yeah, even I can see Kolasinac coming in second half and making an impact. I would prefer that personally. But yeah. So let's see who gets that position. All right. वो ऐसा physical chairs में right wing position अपना. So whoever comes in gets the slot there because no one has really given it all there. Yeah.
राइट, सो ऑब्वियसली फ्रंट में है आरिडा ने, यू कैनॉट टेक अवे हिज इम्पोर्टेंस, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेयर, एंड आई एक्सपेक्ट हिम टू बी ऑब्वियसली गो विद फ्रैन. फ्रैन एंड संडाजा का कॉम्बिनेशन, सो विच बेसिकली सॉरी फ्रैन एंड आरिडाने का कॉम्बिनेशन, सो ऑब्वियसली आई थिंक आरिडाने इज गोइंग टू ड्रॉप बैक लिटिल बिट, लाइक ही मे बिकम लाइक अ प्ले मेकर रोल, रन बिटवीन द लाइंस, विच काइंड ऑफ ओपन्स अप चैनल्स फॉर हाली एंड फ्रैन. सो आई कैन एक्सपेक्ट, I can see France scoring again tomorrow. Yeah, so I think both of them will take turns. If Faridane drops deep, obviously Fran will be up front. And sometimes I think Fran will drop deep and Santana will go up front. So dono turns lenge definitely. And they will make room for others. And yes, it will be a match to watch tomorrow. So yeah, I will definitely watch all 94, 95 minutes, how much ever. You know, minutes it will take to finish the match. Bilkul, and one of the things to remember, obviously for Hyderabad fans, is it's not going to be same kind of game what you're going to play, what it was played in the beginning of the season. This Northeast United team is much more dangerous at the moment, and as aapko maloom hai, even they are looking for they're competing for the spot for the playoffs. So it's going to be a very good, very interesting game. I think a pretty good high scoring game also. Yeah, actually start bhi acha kara tha Northeast ne. In between they lost the track. And yeah. Again. Yeah, they started very well, bilkul. But now they're they started dangerous. Very well. Yeah, but now they're very dangerous. So yeah, it's going to be a really good game. So that said, just to let you know, game has obviously Sunday, 7th February, 7:30 baje sham mein. So don't forget, tune in, watch the game, and obviously we will meet you again for the post-game analysis segment. But that said, thank you, Neville, for joining. And yeah, so just please do leave your comments on the YouTube video or just send your comments on the Twitter. Thank you. Thanks, Sudhir. Bye.